अप्पू के स्कूल में है आज एनुअल फंक्शन। ऐसे में अप्पू ने गाने में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन झनक की तबीयत खराब है, इसीलिए वो स्टेज पर परफॉर्म करने नहीं जा रही है। साथ ही उसे बहुत डर भी लग रहा है। लेके जाओ सचिन सर, लोग सब लोग देखा, काजल आपने देखा जाते हुए, इज्जत लड़की। ओके पहले आ रही है अपराजिता बासु। हो रही है पर जैसे तैसे कर उसकी माँ उसे मनाती है और उसे स्टेज पर भेजती है, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद भी अप्पू सिर्फ और सिर्फ झनक की तारीफ किए जा रही है। हाँ, एक मिनट सर, बेटा खाते ट्रॉफी और निकली। थैंक यू सर। देखा और सर ने बोला, और अब मैं बुलाना चाहूंगा झनक रैना को। और अब मैं बुलाना चाहूंगा झनक रैना। लो सर देखा, वो रिएक्शन चल के आ रही है। ओके चलो। ये मतलब वो मेरे दिल में आ गई। हाँ, वो मेरे दिल के अंदर रहती है। और झनक ना मुझे बहुत पसंद है। I love you झनक। ये गाना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अपरिजना शुरू करें। साथ ही उसके दिल में झनक के लिए कितना प्यार है और उसे गाना डेडिकेट करके वो गा रही है। गाना खत्म हुआ होगा, सबसे पहले गाना चाहूंगा तालिया। वो आई सर देखा, डर आ रही है वो खुश। अप्पू स्माइल। और सर ने ट्रॉफी ली वहां से, तो बेटा सर को ट्रॉफी आगे बढ़ाओ सर। और संजय जी ट्रॉफी राइट से, संजय जी राइट से ट्रॉफी ली, राइट से घूम के सर। कट। अरे यार घर भी नहीं जाऊंगी, स्टेज पर भी नहीं जाऊंगी। और आपको बता दे कि अप्पू ने ये कंपटीशन जीत भी लिया है और उसे गुरुजी के हाथों ट्रॉफी भी मिलती है, जिसके बाद उसके तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। वेल, कहीं ना कहीं इसमें भी झनक का ही पूरा हाथ है और उसी के बदौलत आज अप्पू ने ये कंपटीशन भी जीत लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अप्पू के प्यार के खातिर अब झनक अपनी आँखें खोलेगी। एंड फॉर मोर सच स्टोरी टाउन अपडेट, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।